हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसे कि हमने डायरी ऑफ इवेंट शुरू किया था जिसमें हम 2018 पूरा डिस्कस करने वाले थे, टू वीडियोस हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड उसके सीरीज के, द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। एक हमने पूरा नेशनल न्यूज डिस्कस किया है पूरी की पूरी, जितनी द हिंदू और डायरी ऑफ इवेंट्स में थी वो कंप्लीट है या नहीं है, बस हम डायरी ऑफ इवेंट्स कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि जो मेन न्यूज है एक बार दोबारा से अपनी नज़र में आ जाए। सेकेंड वीडियो भी डिस्कस्ड अबाउट द स्पोर्ट्स न्यूज, कंप्लीट स्पोर्ट्स न्यूज पूरे साल भर की हमने देख ली थी। नाउ दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट वीडियो इन दैट, इसके बाद आपका पूरा डायरी ऑफ इवेंट्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ओबिचुअरीज हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन लोग मरे साल भर में, तो दैट थिंग वी विल नॉट बी डिस्कसिंग। अदर देन दैट ये पूरा इंटरनेशनल, नेशनल और स्पोर्ट्स तीनों सेक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग कैलिफोर्निया लीगलाइजिंग रिक्रिएशनल मैरिजुआना। ओके, तो कैलिफोर्निया ने लीगलाइज किया रिक्रिएशनल मैरिजुआना को, दिस वॉज द स्टार्टिंग न्यूज। इक्वाडोर ग्रांट्स सिटीजनशिप टू विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांजे। तो पहले तो हमको देखना है कि विकीलीक्स के फाउंडर कौन है, तो जूलियन असांजे इज द नेम, और उनको सिटीजनशिप जो किसने ग्रांट की, इक्वाडोर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा न्यूज में रहते हैं जूलियन असांजे, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वाडोर हैज ग्रांटेड सिटीजनशिप टू हिम। नेक्स्ट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इन चाइना, इट हैज नेम्ड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एज लिंगज्यू। ओके, तो लिंगज्यू नाम दिया गया है उनको, जो जी जिनपिंग है उनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने नाम दिया है लिंगज्यू का, एंड दिस टाइटल हैज बीन बेस्टोड ओनली टू टू आइकॉनिक लीडर्स ऑफ चाइना, दैट इज माओ जेडोंग एंड डेंग जियोपिंग। ओके, तो ये टाइटल केवल अभी तक माओ जेडोंग और डेंग जियोपिंग को मिला था लिंगज्यू का, एंड ये टाइटल अब जी जिनपिंग को भी दिया गया, सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। देन म्यांमार एंड बांग्लादेश साइंड अ डील टू रिपैट्रिएट 650,000 रोहिंग्याज रेफ्यूजीज इन नेपिदो। तो नेपिदो जो है वो म्यांमार में है, आप सबको पता है, एंड बांग्लादेश और म्यांमार ने ये डील साइन की थी रोहिंग्याज के रिहेबिलिटेशन के लिए, रिपैट्रिएशन के लिए 650,000। और आप सबको पता है कि ये जो परसिक्यूटेड एक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है रोहिंग्यास का, मुस्लिम से बिलोंग करते हैं ये, एंड आप सबको पता है कि ये रखाइन स्टेट में थे, म्यांमार के रखाइन स्टेट में, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये वहाँ के नेटिव थे और वहाँ पे बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूट किया बिकॉज ऑफ द एथनिक डिफरेंसेज एंड ऑल। तो ये कारण है जिसके कारण कि अब ये बांग्लादेश में भाग रहे थे और बांग्लादेश ने म्यांमार के साथ ये डील साइन की है टू रिपैट्रिएट 650,000 रोहिंग्यास बैक टू नेपिदो। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज ब्राजीलियन जो प्रेसिडेंट थे फॉर्मल लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा, उनको उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे करप्शन के, एम्बेजलमेंट के, एंड फॉर दैट 12 इयर्स की उनको प्रिजन दी गई। तो इनका नाम याद रखिएगा, लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। द जापानीज एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी लॉन्च द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रॉकेट। तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रॉकेट किसने लॉन्च किया था, जापानीज एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ओके, तो जापानीज जो एक्सप्लोरेशन एजेंसी है एयरोस्पेस, उसने लॉन्च किया वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रॉकेट, सो दैट इज द थिंग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज इज स्पेस एक्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया फैल्कन हैवी को। तो फैल्कन हैवी पहले तो किसने रिलीज किया, स्पेस एक्स ने किया, ये आप सबको पता है एलन मस्क की कंपनी है, एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कमर्शियल रॉकेट है ये फैल्कन हैवी जो है, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कमर्शियल रॉकेट, एंड इसको कहाँ से लॉन्च किया था, कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि आपका केप कैनावरल फ्लोरिडा यूएसए में है। ओके, तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। एक लोकेशन आई थी ईस्टर्न घूटा, तो ईस्टर्न घूटा जो लोकेशन है ये डमस्कस के बाहर की सीरिया की लोकेशन है, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ईस्टर्न घूटा इज अ लोकेशन इन सीरिया। तो पूछ सकता है जैसे मैथ द कॉलम यूपीएससी पूछता रहता है, लास्ट ईयर बहुत सारी लोकेशन पूछी थी उन्होंने, तो वो पूछ सकते हैं। ओके, देन साइंटिस्ट फ्रॉम ब्रिटेन हैव सक्सेस एंड यूएसए हैव सक्सेसफुली ग्रोन ह्यूमन एग्स टू मैच्योरिटी आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर ह्यूमन एग्स को मैच्योरिटी तक ले आए, कहाँ के साइंटिस्ट, ब्रिटेन और यूएसए के साइंटिस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसका उन्होंने जो पब्लिकेशन किया है वो जर्नल में किया है, मॉलिकुलर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मॉलिकुलर ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम की जर्नल में उसका पब्लिकेशन किया, सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। अब जो ट्रेड वॉर्स हमने साल भर डिस्कस किया लगभग, यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर्स चल रहे थे, तो सबसे बड़ी बात ये कि वो ट्रेड वॉर स्टार्ट कैसे हुए। सो बेसिकली दैट ट्रेड वॉर स्टार्टेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैरिफ्स, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि कुछ टैरिफ्स इम्पोज किए जाएंगे ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो आगे दिखा देता हूँ मैं इसको आपको। यहाँ पे यूएसए ने इम्पोज किया था 25% टैरिफ किया था स्टील पे और 10% किया था एल्यूमिनियम में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में क्या हुआ,
एक्चुअली इम्पोर्ट में टैरिफ्स इम्पोज कर दिए थे यूएसए ने, और 25% और 10% का, किसमें किसमें, स्टील और एल्यूमिनियम में। और आप सबको पता है कि स्टील का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण कि ये ट्रेड वॉर ट्रिगर हुआ था। इसके बाद चाइना ने रिटेलिएट किया, रिटेलिएशन में उन्होंने दोबारा फिर टैरिफ लगाए। सो ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग देयर। ओके, नेक्स्ट न्यूज आइटम देख लेते हैं। गुलेरमो डेल टोरोस की एक रोमांस मूवी है द शेप ऑफ वाटर, जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, 90th एकेडमी अवार्ड हुए थे। तो याद रखिएगा, इस बार 90th एकेडमी अवार्ड्स थे और उसमें शेप ऑफ वाटर को टॉप ऑनर्स मिले, बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट डायरेक्टर का, ये सारी चीज उनको दी गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 90th एकेडमी अवार्ड याद रखिएगा। देन रियोक्यो अजूमा इट्स फर्स्ट वुमेन कमांडर बनी है, कहाँ की, जापानीज नेवी की। जापानीज नेवी ने फर्स्ट वुमेन कमांडर अपॉइंट किया है रियोको अजूमा को। ओके, तो रियोको अजूमा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन कमांडर, एंड ये जो बिगेस्ट वॉरशिप है वहाँ की वो है इजूमो। ओके, द नेम ऑफ द बिगेस्ट वॉरशिप इज इजूमो। इजूमो नाम की वॉरशिप जो है वो बिगेस्ट वॉरशिप है, ये भी याद रखेगा। रियोको अजूमा फर्स्ट वुमेन कमांडर बनी है जापानीज नेवी की, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हमने टैरिफ्स की बात कर ली कि 25% इंपोर्ट टैरिफ लगाया स्टील पे, 10% लगाया एल्यूमिनियम पे, ये इंपॉर्टेंट है। देन चाइनीज नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने वोट किया है टू रिमूव एनी लिमिट ऑन द प्रेसिडेंशियल टेन्योर। तो ये चीज भी देखी जी जिनपिंग ने। अभी हमने जी जिनपिंग का लिंगजियू का टाइटल देखा था जो कि केवल माओ ज़ेडोंग और डेंग ज़ियोपिंग को मिला था। उसके बाद ये चीज हुई इंपॉर्टेंट कि चाइना की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसने रिमूव किया लिमिटेशन ऑन द प्रेसिडेंशियल टेन्योर, और जी जिनपिंग अब क्या करेंगे, इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए प्रेसिडेंट रह सकते हैं। पहले क्या होता है, पहले इनके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस थी कि इनको 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म के बाद पहले इनको खाली करना पड़ता, बट नाउ दैट इंटायर रिस्ट्रिक्शन हैज बीन रिमूव्ड और वो अब चाहे तो इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए प्रेसिडेंट रह सकते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखेगा इसको। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज दैट एंजेला मर्कल रीइलेक्टिंग जर्मन चांसलर फॉर अ फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए एंजेला मर्कल को चांसलर की तरह अपॉइंट किया गया। फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस हुआ, जब हमको पता चला कि फेसबुक हमारी इन्फॉर्मेशन बेच रहा है कैम्ब्रिज एनालिटिका को। फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बहुत सारा हेर फेर भी किया था इन्फॉर्मेशन का, जिसने कि हो सकता है कि ट्रंप को इलेक्शन में मदद की हो। तो ये सारी चीज़ें हुई थी कैंपेनिंग में, तो ये सारी चीज़ों के कारण फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका से फेसबुक ने सस्पेंड कर दिया उनके अकाउंट को, उनका अकाउंट डिलीट कर दिया फेसबुक से। सो दैट इज द थिंग which happened, Cambridge Analytica जरूर टर्म याद रखेगा, important है। Now next news item देखते हैं। Malaysian Parliament gives nod for a law that makes fake news punishable with a maximum 6-year jail term। तो मलेशिया की पार्लियामेंट ने नॉट किया कि फेक न्यूज एक पनिशेबल ऑफेंस बनेगा और मैक्सिमम 6 साल की जेल टर्म दी जाएगी। तो याद रखेगा मलेशिया ने यह काम किया था। आप इसको केस स्टडी के रूप में भी डाल सकते हैं, अगर आपको फेक न्यूज पे कभी लिखने के लिए आता है तो मलेशिया का नाम डाल के आप डाल सकते हैं कि उन्होंने पनिशेबल बनाया और 6 साल तक की जेल टर्म डाल दी, तो एक डिटरेंस की तरह काम करेगा। देन पुलिट्जर प्राइज की बात कर लेते हैं। पुलिट्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस दिया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स को और द न्यूयॉर्क मैगजीन को, कि याद रखेगा 2018 का जो पुलिट्जर प्राइज है फॉर पब्लिक सर्विस, ये किसको दिया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द न्यूयॉर्कर मैगजीन को दिया गया। उन्होंने सेक्सुअल हैरासमेंट के कारण के लिए बहुत सारा रिविलेशन किया था, एंड फॉर दैट दे हैव बीन गिवन दिस पुलिट्जर प्राइज। फिर नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन और साउथ कोरियन काउंटर पार्ट जो मून जे इन है, उन्होंने एक दूसरे से मिलकर कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन की बात की। और जो ये सबमिट हुआ था ये पीस विलेज में हुआ था, जिसको हम पानमुजोम बोलते हैं। ओके, पानमुजोम बोलते हैं, याद रखिएगा, इट इज द पीस विलेज। यहाँ पे बात की कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन की नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ने मिलकर। ओके, नेक्स्ट न्यूज आइटम है नोबेल लिटरेचर प्राइज 2018 का जो था वो बंद कर दिया गया था। नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इसलिए बंद किया गया था क्योंकि स्वीडिश अकेडमी फेल्ड टू कंटेन अ क्रिटिसिज्म स्टेमिंग आउट ऑफ द मीटू कैंपेन। तो कुछ सेक्सुअल हैरासमेंट का एक इशू आ गया था, जिसके कारण की नोबेल लिटरेचर प्राइज जो था 2018 का वो पुट ऑफ कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया था, वो नहीं दिया गया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेगा। बेसल जो लोकेशन है वो कहां पर है, वो स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखेगा। बेसल इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड। सऊदी अरेबिया में एक नया नियम आया जिसके कारण कि वुमेन बिहाइंड द व्हील्स, वुमेन जो है वो गाड़ी चला सकती हैं, एंड ये लॉ कहाँ पर आया, सऊदी अरेबिया में। सो दिस इज द लॉ विच इज इंपॉर्टेंट। देन पॉलिश ऑथर ओल्गा टोकार्ज़क, इनको मिला है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है, 2-3 बुकर टाइप के प्राइज मिलते हैं, पर ये ओल्गा टोकार्ज़क का नाम याद रखिएगा, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया। और इन्होंने ट्रांसलेट किया था फिक्शन फ्लाइट्स को, तो उनकी जो बुक थी जिसका इन्होंने ट्रांसलेटेड वर्क किया था फ्लाइट्स। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पॉलिश ऑथर है ओल्गा टोकार्ज़क।
देन आयरिश रिपब्लिक वोट्स बाय लैंडस्लाइड टू लीगलाइज एबॉर्शन, कहाँ की किस रिपब्लिक ने, किस कंट्री ने अलाउ किया है एबॉर्शन को, लीगलाइज किया है? तो आयरिश, याद रखिएगा, आयरलैंड ने वोट करके इसको लीगलाइज किया है एबॉर्शन को, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आयरलैंड ने इसको लीगलाइज कर दिया है एबॉर्शन को। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, फिर जब आते हैं तो हमको लगता है कि कहाँ से आ रहे हैं ना। यूएस ने रीनेम किया है पैसिफिक कमांड को, जो यूएस पैसिफिक कमांड है उसको रीनेम करके यूएस इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये हवाई में किया गया, यूएस ने किया है पैसिफिक कमांड को रीनेम करके इंडो पैसिफिक कमांड किया है। ओके, सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। देन चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग प्रेजेंट्स द नेशंस फर्स्ट फ्रेंडशिप मेडल। तो चाइना ने पहला, नेशन का पहला फ्रेंडशिप मेडल अवार्ड किया है किसको? रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन को। तो व्लादिमीर पुतिन को चाइना द्वारा पहला फ्रेंडशिप मेडल दिया गया, तो चाइना की तरफ से ये पहला फ्रेंडशिप मेडल था। और किसको मिला है वो रशिया के व्लादिमीर पुतिन को मिला। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ओके, इसको याद रखिएगा। देन आपको पता है थाईलैंड में एक फुटबॉल टीम फंस गई थी, तो याद रखिएगा वो जो फुटबॉल टीम थी वो थाईलैंड में फंसी थी अपने कोच के साथ। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। मेघालय में बेचारे फंसे रह गए, तो उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया था। पर इंडिया की मीडिया ऐसी किसको बिल्कुल पब्लिसाइज नहीं किया, और हमारे जो माइनर्स थे उनको आई डोंट थिंक कि वो सर्वाइव किए होंगे इतने ज़्यादा 23-24 दिन तक। ओके, देन बहुत हिस्टोरिक मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की विद द लीडर किम जोंग उन के साथ बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक मीटिंग हुई। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी सेंटोसा आइलैंड में। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटोसा आइलैंड की, कहाँ पर है ये सेंटोसा आइलैंड है आपका सिंगापुर में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन सेंटोसा आइलैंड, कहाँ पर है आपके, ये आपके सिंगापुर में है। और यहाँ पर मीटिंग हुई किसकी? किम जोंग उन की और डोनाल्ड ट्रंप की, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों की मीटिंग हुई। ओके, देन माइकल ओंडांचे की नॉवेल इंग्लिश पेशेंट को मिला है गोल्डन बुकर प्राइज। ओके, वो इंटरनेशनल मैन बुकर था, ये गोल्डन बुकर है। गोल्डन बुकर किसको मिला है? माइकल ओंडांचे की नॉवेल इंग्लिश पेशेंट को। ओके, ये नाम देख लीजिएगा, माइकल ओंडांचे। ओके, तो इनको मिला है इंग्लिश पेशेंट के लिए गोल्डन बुकर प्राइज। इसको लिखते भी जाइए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा डायरेक्ट इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसने विक्ट्री हासिल की पाकिस्तान में, और इमरान खान जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन के नजर आए। ओके, तहरीक इंसाफ इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा। देन अक्षय वेंकटेश को 2018 का फील्ड मेडल मिला। फील्ड मेडल अब किस फील्ड में दिया जाता है? इट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड्स मेडल, अगर आपसे कोई पूछे कि किस फील्ड में दिया जाता है तो फील्ड्स मेडल नाम से नहीं लगता, लेकिन ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। अक्षय वेंकटेश जो कि इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन है, अक्षय वेंकटेश, उनको ये चीज मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2018 का फील्ड मेडल मिला है इनको। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नासा ने लॉन्च किया $1.5 million का स्पेसक्राफ्ट जिसको पार्कर सोलर प्रोब बोलते हैं। इट्स अ प्रोब टुवर्ड्स द सन, ये सन को पढ़ेगा। एंड ये मिशन भी कहाँ से, कितने सालों का है? 7 years मिशन है, 7 साल का मिशन है पार्कर सोलर प्रोब। और ये केप कनावरल फ्लोरिडा USA से ये रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब। एंड ये 7 साल का मिशन रहेगा, इसको भी याद रखेगा। देन टू इंडियंस, भरत वटवानी एंड सोनम वांगचुक, तो दो इंडियंस जिनका नाम है भरत वटवानी और सोनम वांगचुक, एंड इनको दिया गया रेमन मैक्सेसे अवार्ड। तो कौन से रेमन मैक्सेसे अवार्ड किनको मिला? भरत वटवानी और सोनम वांगचुक को मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि इस साल आया, एंड ये भी हमको जानना जरूरी था। देन मंगफुट टाइफून आया था, मंगखुट टाइफून, ये किस कंट्री में आया? ये फिलीपींस में आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये लोकेशन पूछ सकता है कि कहाँ पर आया, जैसे तितली दे देगा, मंगखुट दे देगा, मैथ्यूज दे देगा, और इधर साइड हैती फिलीपींस, और इस तरह से करके दे देगा। तो आपको बताना रहेगा कि कौन सा कहाँ पर आया। तो मंगखुट टाइफून जो आया था वो फिलीपींस में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। सेप्टेम्बर तक हम पहुँच गए, आगे मूव करते हैं। टू इम्यूनोलॉजिस्ट जेम्स एलिसन USA के हैं, एंड तसुकू होंजो ऑफ जापान। तो याद रखिएगा, जेम्स एलिसन USA के और तसुकू होंजो जापान के, इनको मिला नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इनको दिया गया, याद रखिएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं ये, एंड जेम्स एलिसन USA के, तसुकू होंजो जो हैं वो जापान के, 2018 का नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिला। देन आर्थर अश्किन ऑफ USA, जेराड मूरो ऑफ फ्रांस, एंड डोना स्ट्रिकलैंड ऑफ कनाडा, इनको दिया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ओके, तो आर्थर एश्किन ऑफ USA, जेराड मूरो इन ऑफ फ्रांस, एंड डोना स्ट्रिकलैंड ऑफ कनाडा, इनको मिला नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। तो ये नाम तो जरूर याद रखेगा, ये आप सबको पता है कि नोबेल प्राइज कितने इंपॉर्टेंट है, पूछता ही कोई ना कोई एग्जाम। देन जमाल खशोगी का मर्डर आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद होगा कि ये
कॉन्सुलेट थे जिनका वहाँ पे डेथ हुआ, ये वाशिंगटन पोस्ट से बिलोंग करते थे, ओके वाशिंगटन पोस्ट से बिलोंग करते थे, ये याद रखिएगा। जमाल खशोगी, सऊदी अरेबिया में इनका मर्डर हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू आया जो कि जिसके बाद कि अमेरिका के रिलेशन जो है सऊदी अरेबिया से वो थोड़ा इधर उधर हुए और एक अरेबिया जो है वो हाईलाइट हुआ थोड़ा कि इस मामले में कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। देन फ्रांसिस एच आर्नल्ड एंड जॉर्ज पी स्मिथ, इनको जो अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, याद रखेगा, टू अमेरिकन फ्रांसिस एच आर्नल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ एंड एक और सर ग्रेगरी पी विंटर, ओके ये ब्रिटेन है, ग्रेगरी पी विंटर और फ्रांसिस एच आर्नल्ड एंड जॉर्ज पी स्मिथ, इनको दिया गया क्या नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री। हमने फिजिक्स देख लिया, मेडिसिन देख लिया और अब केमिस्ट्री भी देख लिया। देन डेनिस मुकवेगे, ओके डेनिस मुकवेगे जो कि कॉन्गो के डॉक्टर है, याद रखिएगा डेनिस मुकवेगे जो कॉन्गो के डॉक्टर है, और नादिया मुराद, ओके नादिया मुराद जो कि यजीदी राइट एक्टिविस्ट हैं, यजीदी राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? डेनिस मुकवेगे को, और ये कॉन्गो के डॉक्टर थे, एंड नादिया मुराद को जो कि यजीदी राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको दिया गया नोबेल प्राइज ऑफ पीस, नोबेल पीस प्राइज, ओके दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मलेशिया ने डिसाइड किया है टू अबॉलिश द डेथ पेनल्टी, इसके पहले हमने फेक न्यूज़ वाला नियम देखा था मलेशिया से रिलेटेड, फेक न्यूज़ के 6 साल तक की सज़ा, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ये किया है डेथ पेनल्टी के लिए। देन ग्वाटलोपियन ऑथर मैरीस कॉन्डे, अब देखो मैंने बताया था आपको कि सर लिटरेचर में नहीं दिया गया था अवार्ड, लिटरेचर का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, उसकी जगह न्यू एकेडमी प्राइज दिया गया था, द न्यू एकेडमी प्राइज इन लिटरेचर दिया गया, और ये मिला है ग्वाडिलोपियन ऑथर मैरीस कॉन्डे को। मैरीस कॉन्डे ग्वाडिलोपियन ऑथर है, उनको दिया गया न्यू एकेडमी अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एना बर्न्स को दिया गया मैन बुकर प्राइज ऑफ 2018 फॉर फिक्शन, एना बर्न्स को मिला, और ये उनकी नॉवल मिल्क मैन के लिए मिला गया, ओके तो मिल्क मैन उनकी नॉवल है, एक फिक्शन है, एना बर्न्स नाम है इनका, मैन बुकर प्राइज दिया गया 2018 का। कनाडा हैज बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन टू लीगलाइज रिक्रिएशनल मैरिजुआना, पहला इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जिसने लीगलाइज किया हो रिक्रिएशनल मैरिजुआना को, वो कौन सा है? तो उसका आंसर होगा कनाडा है, ओके तो कनाडा इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन टू लीगलाइज द रिक्रिएशनल मैरिजुआना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको भी याद रखेगा। देन हमको पता है किस तरीके श्रीलंकन पूरी क्राइसिस हुई, वो पूरी यहाँ पर रिपीट की गई श्रीलंकन क्राइसिस, तो अब तो मैं इस बार तो ज़रूर इसको नहीं रिपीट करूँगा। देन इंडिया एंड जापान स्वैप ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बोलते हैं, $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया इंडिया और जापान ने, तो यह पूछ सकता है कि इंडिया ने किसके साथ $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया, तो आंसर रहेगा जापान के साथ साइन किया, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आसिया बीबी केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान का आसिया बीबी केस, जिसमें एक क्रिश्चियन वुमेन है आसिया बीबी जिसको सेंटेंस टू डेथ दिया गया था 2010 में फॉर ब्लास्फेमी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्विटेड आसिया बीबी जो कि एक क्रिश्चियन वुमेन थी, सेंटेंस टू डेथ इन नवंबर 2010 फॉर ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब कि जो भगवान है उसको आप गाली दो, अल्लाह को गाली दो, इन सब चीज़ों को करो तो वो ब्लास्फेमी कहलाता है, मतलब कुछ उनके गाली दो इन द सेंस कुछ उनके बारे में बुरा भला कहो, ओके तो इन सब के कारण उसको 2010 में सजाए मौत दी गई थी, लेकिन उसको एक्विट कर दिया गया गवाहों के बयान मद्देनजर रखते हुए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, ओके। देन नासा का वोयेजर 2 प्रोब लॉन्च हुआ था 1977 में, वो इंटर कर गया इंटरस्टेलर स्पेस में। इंटरस्टेलर स्पेस अब क्या होता है, ये स्टार्स के बीच का रीजन होता है, ओके हमारी गैलेक्सी के बाहर जो स्टार्स के बीच का रीजन होता है ना, वो इंटरस्टेलर कहलाता है। इंटरस्टेलर मतलब स्टार्स के बीच का जो स्पेस होता है, उस जोन में अगर चला जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर। एंड नासा का जो वोयेजर 2 प्रोब है वो 1977 में लॉन्च हुआ था, नासाज वोयेजर 2, याद रखिएगा वो इंटरस्टेलर में इंटर किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये दोबारा से पूछ सकता है कि कौन सा अभी रिसेंटली नासा का प्रोजेक्ट था, या पूछ सकता है वोयेजर 2 किसका प्रोजेक्ट है, तो वोयेजर 2 नासा का प्रोजेक्ट है जो कि इंटरस्टेलर में इंटर किया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। देन इन एन हिस्टोरिक वोट द किलोग्राम गेट्स अ न्यू डेफिनेशन एट द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हेल्ड एट वर्सिलिस फ्रांस, तो वर्सिलेस फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हुई एसआई यूनिट, जिसमें किलोग्राम की डेफिनेशन चेंज की गई, जो एसआई यूनिट होती है उसमें किलोग्राम की डेफिनेशन को चेंज किया गया। तो देखो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, करेंटली क्या है जो सिस्टम था वो था कि प्लैटिनम बेस्ड इंगॉट जिसको ली ग्रैंड के बोलते हैं, ली ग्रैंड के बोलते हैं, वो सिस्टम यूज किया जाता था अभी तक इसके लिए आपके वेट्स एंड मेजर्स के लिए। द न्यू सिस्टम क्या है, न्यू सिस्टम में उसको प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में यूज किया जाएगा, द किलोग्राम विल बी रिफर्ड इन द टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट विल बी स्टेबल इन द लॉन्ग टर्म एंड प्रैक्टिकली रियलाइजेबल एज वेल।
द न्यू डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम इन्वॉल्व एक्यूरेट वेइंग मशीन, जिसमें जिसको किबल बैलेंस बोलते हैं। तो नया जो किलोग्राम का डेफिनेशन है उसमें एक्यूरेट वेइंग मशीन किबल बैलेंस का यूज किया गया है। किबल बैलेंस टर्म याद रखेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट टर्म याद रखेगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में रिफर किया गया है नई डेफिनेशन को, ओके। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक टर्म याद रखेगा, प्रिसाइसली मेजर किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन सबको बना के, बेस बना के एक नई डेफिनेशन तैयार की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है सारे टर्म्स जाना, लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट और किबल बैलेंस दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दिया अलग से। देन नासा का मार्स रोवर इनसाइट लैंड किया रेड प्लैनेट पे। तो रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स है। उसकी सैटेलाइट्स हैं फोबोस और डीमोस, और अभी जो मिशन गया है नासा की तरफ से वो इनसाइट लैंडर है, ओके। मार्स रोवर है जिसको कि इनसाइट बोलते हैं, जो कि आपके मार्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और बताएगा, ओके, उसके सरफेस पे लैंड किया है। देन हुआवी का केस हमने देखा कि किस तरीके से CFO जो थी हुआवी की, उनको अरेस्ट कर लिया गया था कनाडा में USA के कहने पे। फिर बाद में हमने देखा कि किस तरीके से चाइना ने रिटेलिएट किया और एप्पल का प्रोडक्शन वहाँ पे बंद कर दिया चाइना में। तो एक बेसिकली ये कहा तो जा रहा है कि वो स्पाई कर रहे थे हुआवी वाले, ऐसा USA ने कहा है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि हुआवी बहुत बड़ा टेक जाइंट बन गया था, 5G के केस में बहुत सारा उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया था, एंड देवर गिविंग अ स्ट्रांग कॉम्पिटिशन टू एप्पल, जिसके कारण कि USA ने इस तरह से हरकतें की और उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। देन चाइना लॉन्चेस चैंग E4 लूनार प्रोब मिशन। चाइना ने लॉन्च किया चैंग E4 लूनार प्रोब मिशन, जो कि डार्क साइड ऑफ मून के लिए गया। डार्क साइड ऑफ मून जो साइड नहीं दिखता है, क्योंकि आपको पता है कि जो रोटेशन और इनका जो मून का रेवोल्यूशन है वो सेम पेस पे होता है, सेम टाइम पीरियड लगता है उनके लिए। हमेशा जो मून है उसका एक ही साइड विजिबल रहता है अर्थ पे, ओके, एंड अदर साइड इज नोन एज द डार्क साइड, जो कि डार्क साइड है, जो कि नहीं दिखता है। एंड चाइना ने लॉन्च किया है चैंग E4 टू नो मोर अबाउट द डार्क साइड ऑफ द मून, ओके। देन वनेसा पोंसे डी लियोन को मैक्सिकन मॉडल है, जो कि इनको क्राउन किया गया, मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया, एंड चाइना में हुआ था। वनेसा पोंसे डी लियोन याद रखेगा मैक्सिकन मॉडल है, क्राउन विद मिस वर्ल्ड 2018, तो 2018 का मिस वर्ल्ड दिया गया। देन आप सबको पता है कि किस तरह से COP24 हुआ कैटोविस पोलैंड में, कैटोविस पोलैंड COP24 हुआ, जहां पे रूल बुक तैयार की गई, रूल बुक फाइनलाइज की गई, बट बहुत सारे इशूज है, अभी भी फंडिंग का इशू है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इशू है, सारे इशूज अभी बचे हुए हैं, ओके। देन कैट्रियोना ग्रे ऑफ द फिलीपींस वॉज क्राउंड एज मिस यूनिवर्स। कैट्रियोना ग्रे ऑफ फिलीपींस क्राउंड एज मिस यूनिवर्स इन बैंकॉक थाईलैंड। पोंसे डी लियोन मिस वर्ल्ड एंड कैट्रियोना ग्रे ऑफ फिलीपींस। एंड पोंसे डी लियोन कहाँ की थी ये देख लेते हैं एक बार फिर से, मैक्सिकन मॉडल थी, एंड कैट्रियोना ग्रे जो है वो फिलिपिनियन मॉडल है, इनको मिस यूनिवर्स दिया गया, याद रखिएगा। US डिसाइड्स टू पुल द ट्रूप्स आउट फ्रॉम सीरिया। USA ने डिसीजन लिया कि सीरिया से ट्रूप्स को बाहर कर लेंगे, ये हमने डिस्कस किया था। इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई जब वहाँ पे एक सुनामी आया, बिकॉज ऑफ द एनक क्रकाटोआ, यानी चाइल्ड ऑफ द क्रकाटोआ के कारण वहाँ पे पहले सुनामी आई। सुनामीज को हार्बर वेव्स भी कहते हैं, हार्बर वेव्स भी नाम दिया जाता है उसके कारण। एंड पहले अनक क्रकाटोआ में एक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जो कि सुंडा स्ट्रेट में है, इट इज इन द सुंडा स्ट्रेट, अनक क्रकाटोआ, वहां पे इरप्शन हुआ, उस इरप्शन के कारण हमारी सुनामी ट्रिगर हुई। सुनामीज को हार्बर वेव्स भी कहते हैं, और इस कारण से इंडोनेशिया आइलैंड जो है जावा और सुमात्रा के, वहां पे बहुत सारे लोगों की जान और माल की नुकसान हुई है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। देन US के कॉलिन ओ ब्रैडी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट द सोलो अनअसिस्टेड ट्रैक अराउंड अंटार्कटिका। तो कॉलिन ओ ब्रैडी ये पहले इंसान बन गए हैं जिन्होंने कि सोलो अनअसिस्टेड ट्रैकिंग की है अक्रॉस अंटार्कटिका, सोलो यानी अकेले बिना किसी मदद के, कॉलिन ओ ब्रैडी, या ना ये नाम भी याद रखेगा। देन USA एंड इसराइल दे ऑफिशियली क्विट UNESCO। तो USA और इसराइल ने ऑफिशियली UNESCO को क्विट कर दिया। ये जो फोटोग्राफ है US एडवेंचरर कॉलिन ओ ब्रैडी की है। सो दैट इज इट फ्रॉम द डे फ्रेंड्स, आई होप अब आपको पूरा डायरी ऑफ इवेंट समझ में आ गया। इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो नाम है जितने भी आपके नोबेल प्राइज हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो दोबारा रिपीट हो ही गई हैं, ओके। सो दैट इज इट, आई होप यू लाइक आर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।